हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 8:45। मैं नहा लिया हूँ, ये उठाई है अभी, जस्ट इसने शॉप खुलवा दी हेयर कट के लिए। हेयर कट के लिए जा रहा है, मुझे भी आज हेयर कट के लिए जाना है। और अभी मैं बस प्रोटीन शेक पीऊँगा, देन जाऊँगा घर। घर पे, घर से पहले मेरे को देने हैं वो आउटफिट फिटिंग के लिए। कल शाम को मैं जिम चला गया था, मैंने सोचा जिम से आते आते दे दूंगा, और जब तक तो शॉपिंग बंद हो गई। ऋषि की कल शॉपिंग अच्छे से हो गई थी, मेरी थोड़ी बहुत करा देंगे ये लोग तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है अपने तो। बाकी सीधी शॉपिंग के लिए तो आज हम वापस जा ही रहे हैं। तो सो रहे हैं बाकी सारे, तो उधर यशी और मिकू भी सो रहे हैं, उसको जगाते हुए निकलता हूँ अपन घर। यहाँ पर तो वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, बस ऐसा ही वेदर उदयपुर में मिले तो बहुत आराम से हम घूम पाएंगे, और मेरे ट्रैवलिंग में बहुत सही काम आएगी ये छोटी बस। चलो चलो चलो, मैं आधे घंटे सोऊंगी। आधे घंटे क्यों पागल है क्या? 9:30 बजने वाले हैं। इसलिए सोऊंगी क्योंकि सोऊंगी। क्या रीजन दिया है इसलिए सोऊंगी? काफी जेन्युइन रीजन है दीदी। सोऊंगी यार, ये तो मेरे को है ना, इस रीजन के भरोसे आप 2 घंटे तो जाओ मेरे हिसाब से। परेशान कर दिया। किसने परेशान कर दिया? तूने। अरे तो यार टाइम हो गया, तेरे को बाल भी धोने, फिर लेट करेगी रोज की तरह। रीच्ड होम और एकदम रिमझिम बारिश हो रही है। क्या हो रहा है मम्मी जी? मम्मी ने खाना बनाया है। क्या बन रहा है? खाना बनाया है। मेरा बैग निकाल दो। कहाँ जा रहे हो? उदयपुर। कब? कल। ऐसी बारिश में बेटी? हाँ तो यही तो मौसम है जाने का, खुद भी तो जाएंगे जोधपुर। अब मैं उदयपुर नहीं जाऊँ। बैग निकाल देना बड़ा वाला। मम्मी भी चले? मम्मी पहले चल ले, हमें मत घूमने दो। मम्मी को घुमा ले। तो आपकी किस्मत में नहीं था वैष्णो देवी? सब था, बोल के गए तो जाके इसमें किस्मत क्या करेगी। ये बैग लेके जाऊंगा, वैसे यशी का बैग है, बट उसको एक दिन मैंने बोला था, उसको मैंने मेरा बैग लेने भेजा था उसको और हर्ष को, तो उसने नया बैग पसंद किया और वो बैग खुद रख लिया और खुद का बैग मुझे दे दिया, बोले तू ये रख मैं वो रखूंगी नया वाला। चल बाय। हेलो, हाउ आर यू? हेलो मैम। हाय सुरेश, कैसे हो? आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, मस्त। मैम बहुत ही अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसा ये सैलून मैम का ही है। आज थोड़ा सा डिसेंट कट लेने वाला हूँ, क्योंकि उदयपुर में ज़्यादातर फॉर्मल्स वगैरह में एथनिक शूट होगा, तो ज़्यादा स्टाइलिश नहीं, हल्का सा यहाँ से कट, मतलब हल्का सा इनको ट्रिम कराऊंगा साइड से, और ऊपर के बाल तो बड़े ही रखने वाला हूँ, बाकी बियर्ड भी ट्रिम करवाऊंगा। डन विद द हेयर कट, और बहुत ही प्यारा हेयर कट हुआ है। थैंक यू सो मच, मैं जाता हूँ उदयपुर। ओके फिर मिलते हैं जल्दी से। जल्दी से, बाय बाय। व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस? आलू बुखारे और बनाने दोनों लाए। हर्ष भाई भी कटवट करवा के बिल्कुल। पर मैं तो नीम के पेड़ के नीचे गया था, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। मेरे पास नहीं है भाई इतना पैसा, मुझे भी ले चला करना है सूरज यार, वो तो तेरे दोस्त का ना। नहीं प्लीज यार, प्लीज यार, पता नहीं पता कौन से स्टूडियो में जाता है, पता नाम बता दे। मैं नहीं बताऊंगा यार। नाम बता। बंद हो जाएगा। नाम बता, नाम बता, नाम बता। टिकटॉक है स्टूडियो सारा, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया है। मेरे लिए लाया था ना आलू को पारे, दो तो चिप चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अरे राम खत्म यार, सूरज एक ही बचा तो बदतमीज होगा। तो तू खाई नहीं रही थी? अरे मैं तो केला खा ही रही थी, स्टार्ट किया था, मेरे पूरे खा गया ये। जाने मेरी जाने मन बचपन का। चुप हो जा। कल तू फिर गई थी मेरे बिना खाने नेशनल हैंडलूम के सामने। तू पूरे दिन मेरे बिना मतलब इसको कहीं से नहीं पता चला ये पबजी खेल रहा है, और पबजी पता नहीं किसने बता दिया, बोले भैया वो सब पार्टी कर रहे हैं आपके बिना। पता मेरे क्या बोला, सूरज और अश्विन भैया नहीं है वो लोग जिम, बोले नहीं भैया वो भी है आप ही नहीं थे बस। सुन मेरी बात, मैं ना बोली थी उसको जैसे अगर मैं जल्दी रेडी हो जाऊँ तो चलेंगे, और मेरे को तो बार बोलता था तो तेरे, जल्दी मैंने रेडी कर लेते हो तुम। तेरे को मैंने बुलाया नहीं था कि मैंने कहा तो 8 बजे मैं रेडी हो जाऊंगी तो आ जाना, उस दिन तू लेट आया, अगले दिन अगर तू जा रहा है तो मैं नहीं लेट आया, मैं नहीं लेट आया, मेरे को मत बोले। 12 बजे आया था, 12 बजे। अरे बाप रे, 12 बजे आया, 12 बजे आया बेटा। मैं कॉल डिटेल दिखा नहीं देता ना, कॉल डिटेल मैंने फोन करा था। चल ठीक है, मेरी बात मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। चल तू 12 बजे नहीं आया, 11 बजे आया। लॉगिंग तो सीख। ओके 12 बजे नहीं आया, 11 बजे आया। 11 बजे आया ना? नहीं, मैंने देखो इनको फोन करा था घर से निकलने से पहले, तो इसने कहा कि हर्ष भी लेट सो के उठा, वो लेट आएगा तो अपन लेट चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अरे झूठ, तूने मुझे बोला था कि मैं कुछ काम करो, फिर मैंने तेरे को बोला हाँ कोई बात नहीं, हर्ष भी लेट हो रहा है। हाँ तो यही तो। हाँ लेकिन तू लेट था, लेकिन तू लेट था। चल ठीक है छोड़, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गया था उस दिन, अरे चुप हो जा। अरे उस दिन में जिम चला गया, सारे के सारे बेकार है सालू, तुम्हारे को मैं बता दूं, मेरे आज आ जाएंगे सालू, किसी से बात नहीं करूंगा।
करूंगी। तू भी यही था ना, तेरे सामने से मैंने पूछा, उसने बोला नहीं 12 बज गया मैं जिम नहीं जाऊंगी। सुन मेरी बात, सुन बाद में जब भी तू जा रहा है सुबह जल्दी जा रहा है तो मेरे को बता के जा सकता ना। तू मेरे पे किसने थूका, ये मेरी शर्ट पे किसने थूका ये बताओ, ये तूने थूका होगा। कैसे बेकार है सबके सब यार। मैंने आज एक नया नाइट सूट पहना है, इट्स सो प्रीटी। ये मैंने अपने प्री ट्रांजिशन के लिए पहना है। मैं भी एक शॉर्ट्स बना रही हूं जिसमें व्हाइट शर्ट को स्टाइल करूंगी। ओ सुनो सुनो सुनो, मैं भूल ही गया, कल आज अपना 100 व्लॉग लाइव व्लॉग लाइव जाने वाला है। ये तो हमने सेंचुरी मार ली भैया ने, सूरज को मारा कसीटा बहुत बुरा मारा धोया भाई। भैया भैया मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था, एक और बार हो जाता तो अरे कहां गए पीटा आदमी। जस्ट हमने काम कंप्लीट किया है और अब मेरे थोड़े से कपड़े लेने जा रहे हैं। ब्रो कल सुबह 6 बजे आ जाना, हम लोग 6 बजे गेट पे मिलेंगे नीचे आपको। सुनो भैया तूने तेरी शॉप वो कर ली पैकिंग? पैकिंग नहीं करी अभी, मेरी सारी ड्रेसेस ले आया। और नहीं पता है क्या तेरे को, शॉप बंद हो गई थी अनपूर्ति, सारी शॉप अगल बगल की सारी शॉप्स, और वो मतलब ऐसे शटर को है ना नीचे लास्ट उस पे आई थी, मैंने एकदम से गाड़ी लगाई, मैं रुको 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 ऐसे रोक कर मैं ये, फिर वापस से स्टोर खुला, फिर मिल लेकर आया मेरी प्यारी ड्रेसेस जिनके लिए मैं इतनी सारी ज्वेलरी लाई हूं। जियो सूरज मैं इतनी सेक्सी ज्वेलरी लेके आया ना भैया। देखो गाइस अभी पता है टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताना 10:30। अब ये आई है पूरी शॉपिंग खत्म। देखो मैं कहीं भी जाती हूँ ना मैं कुछ चाहिए मस्त चीजें, वरना मेरे को मजा सा नहीं आता। एक्चुअली एक और चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, हमें वहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करानी है, वहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह बनाने हैं, ताकि प्रोडक्टिव रहे वो टूर प्रोडक्टिव रहे, इसलिए इतनी शॉपिंग वगैरह हुई है। वरना तो आप सोच रहे हो बोले इतना क्या है, वो है कि वो पहले से शॉपिंग थी, अभी और शॉपिंग क्यों करी, इसलिए शॉपिंग करी ताकि वहाँ पर वो लोकेशन वगैरह को हम यूज कर पाए। हमारा जो चैनल है उसके लिए भी आपको बेसिकली मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं लड़कियों को बता पाऊँ, लड़कों को बता पाऊँ कि जब आप उदयपुर जैसी जगह हेरिटेज वाली जगह जाओ तो आपको कैसी कैसी शॉपिंग करनी चाहिए और आपकी कैसे फोटोज बहुत अच्छी आ सकती है। यस तो आउटफिट्स वगैरह, आउटफिट्स वगैरह हम बाद में बताएंगे, वीडियोस में बताएंगे, नेक्स्ट वाले वीडियोस में। तो अभी खाना खा ले तू? मैं तो भूख के मारे मर गई। खाना ये बैग मेरा है, ये देखो उसने कब्जा कर लिया, इसने खुद का ये फटीचर सा बैग 300 साल पुराना मुझे दे दिया। एक्सक्यूज मी ये फटीचर नहीं है, ओके फटीचर ये वो, इससे ही तूने, मैंने बहुत सारी ट्रैवलिंग करी है, इसको सॉरी बोल। मैं तो नहीं बोला सॉरी, उसको सॉरी बोल, वो प्यारा बैग है अपना, जा उससे प्यार कर जाके। ये देखो इतना बड़ा बैग मेरा वाला ले रखा है मैंने, इसको सॉरी बोलने को तो नहीं कहा ना, उसको बोलने के लिए कहा ना, वो बोल दे और एक और चीज गाइज, अभी काफी लोग कमेंट करेंगे कि भाई सब क्यों नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप 4 जने ही क्यों जा रहे हो, क्योंकि बजट एक भी जना ऐड होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक रूम एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा, ट्रैवल एक कार एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, मतलब जो भी बाकी लोगों को लेके जाएंगे तो वो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा आ जाएगा, फिर हम बार बार रेगुलर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लिमिटेड जने ही जा रहे हैं। बट हाँ जब अच्छा हमारे पास हैवी पॉकेट्स होंगी या हम सब मिल मिला के कभी जा पाएंगे तो वो ज़रूर जाएंगे। मैं जा सकता था, देखो आई कैन अफोर्ड माई ट्रिप, बट लेकिन मैं घूम के आऊँ 20 दिन मेरा मन मर चुका है। हाँ अभी तो मजा आएगा जब पैकिंग होगी भाई, मेरी पैकिंग में 2 घंटे लगते हैं। नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जब सुबह उठेंगे तो ये पैकिंग खत्म करके बोल रही होगी पैकिंग खत्म, नहीं नहीं यार पैकिंग तो हो गई, अब दो चीजें रह गई, सुन ले आए क्या ये बोलेगी, अभी तो चीजें भूलेगी बहुत सारी, बोले वो नहीं लाई चलता रहेगा ये। इतना टाइम लगेगा आपको इसको सेट करने में? वैसे हम सोच रहे थे कि सुबह जल्दी जाएंगे लेकिन मुझे लग नहीं रहा है किसी भी हाल में कि सुबह। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसा किसी के साथ हुआ कि ट्रैवलिंग करनी है ये पता है तो उसकी एक दिन पहले ऐसे ऑटोमेटिक आलस आता है, ये इतना सारा माथे पे लेके बैठी इनको करना करना क्या चाहिए है, ऐसी एक एक चीज याद आती है फिर रखती, इतनी आलसी लड़की है ना जिसकी हद नहीं है भैया, ये बैठिए ये नहीं कि पैकिंग कर लूंगी देख रही है बैठ के। अच्छा कब तक होगी पैकिंग? ढूंढ रही हूँ चीजें, बुला मम्मी को देखी। हाँ मैं ऐसे बैठी बैठी सोचती रहती हूँ, मम्मी पूरी पैकिंग कर देती है, पूछ एक बार इसकी पैकिंग देखना। मैं समझ में नहीं आ ना क्या करना चाह रही है, मुझे भी नहीं आ रहा, ऐसे कंफ्यूज रहती हूँ। अरे ऐसे भरते इसको बंद कर बैग यार, सोए यार, यार सूरज को जुड़ गया, 1 बज रहा है चुपचाप से बैठी बैठी रो रही है कि पैकिंग नहीं हो रही, पैकिंग कर नहीं रही, 12:30 बज रहे हैं यार, इतनी देर हो गई पैकिंग करते करते,
मैंने तो स्टार्ट ही अभी करी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो बैठी रहे इसको है ना, वहाँ साइड में लेके बैठ जाओ और हमारे को सुन दे। ये तेरा बेड नहीं, तेरा बेड वो है, जाके चुपचाप सो जा, तो मुंह मत लग उधर से कचरा, उधर से सारा सामान लग। क्यों उठाऊं मैं, क्यों उठाऊं, तू उठा ना, रोज अभी तो उठाते हैं। यहां पटक दे दो ना, पटक मत करो, मुंह धोऊंगी यार, प्लीज बैठ जा, दो मिनट स्ट्रेस हो रहा है मेरे को, दो मिनट बैठ जा, दो मिनट बैठ जा, दो मिनट बैठ जा, मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है अभी यार, बैठ जा यार, बैठ जा। क्या हो गया, मेरी घड़ी नहीं फिटिंग की हुई, जब देखो जब रोती रहती है यार। भाई कसम सही में यार, एक लिमिट होती है, दो दिन के, तीन दिन के लिए जा रही है तू, चौथे दिन तो यहाँ आ जाएगी। तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ मेरे को अगली बार से तेरे को लेके चलूँगा। ठीक है भैया, थैंक यू, जल्दी जा, उसके तो जेब में रख के ले चलूंगा कपड़े, उसके इतने नखरे पूरे दिन कपड़े बदलती रहेगी, तो एक बार भी बाहर नहीं जाएगी। कैंसिल, मैं अपने भाइयों को ले जाऊंगा, मैं कालू को ले जाऊंगा, जल ले जा, वो तो बिचापड़ा, वो तो दो टी शर्ट डाल लेगा, वो पहन के चलेगा, उसे में चार दिन निकाल के आ जाएगा वापस, बोले बिना नहाए रह लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम से सोगे तो टाइम से निकल जाएंगे, नहीं तो मुझे पता है नहीं निकलेंगे, तो मैं तो सोने जा रहा हूँ, मैं तो ऑब्वियसली सोने सो तो कैसे सकता हूँ, मैं ब्लॉग एडिट करूंगा। चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय।